नमस्कार दोस्तों, अमिताभ बच्चन का अग्निपथ पार्ट 8 में बात करते हैं बिग बिग की 1981 में रिलीज फिल्मों की। दोस्तों जनवरी 1981 में रिलीज फिल्म याराना दो दोस्तों किशन बने अमिताभ तथा बिशन बने अमजद खान की कहानी है कि किस प्रकार बिशन अपने दोस्त किशन को एक कामयाब सिंगर बनाता है और फिर किशन कैसे अपने दोस्त का खोया हुआ भाग्य पुनः लौटाता है। दोस्तों ये फिल्म अपनी शानदार स्क्रिप्ट, जबरदस्त इमोशनल सीन, अमिताभ की शानदार कॉमेडी और सुपरहिट गानों के लिए आज भी याद की जाती है। दोस्तों फिल्म का फर्स्ट भाग एक्सीलेंट है। किशोर का गाया इमोशनल सॉन्ग तेरे जैसा यार कहाँ आज भी उतना ही बड़ा हिट है जितना फिल्म रिलीज के समय था। दोस्तों इसमें कादर खान और नीतू सिंह का भी अहम रोल है और दोस्तों ये फिल्म हिट रही। दोस्तों इस फिल्म में राजेश रोशन का सुमधुर संगीत था। दोस्तों अब बात करते हैं शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित फिल्म बरसात की एक रात की। इसमें अमिताभ के साथ राखी हुआ अमजद खान प्रमुख भूमिका में थे। दोस्तों फिल्म की कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर अभिजीत बने अमिताभ जब ठग कालीराम बने अमजद खान को सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं तो रजनी बनी राखी जो कि अंधी है अमिताभ से शादी कर लेती है। लेकिन जब कालीराम जेल से बाहर आता है तो किस तरह वो उनकी शादी शुदा लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश करता है फिल्म में दिखाया गया। दोस्तों एक ड्रामे से भरी हुई एक थ्रिलर मूवी थी जो अपनी कमजोर स्क्रिप्ट के कारण दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई और एवरेज रही। हालांकि तीनों मुख्य कलाकारों का अभिनय उम्दा था। दोस्तों इसके बाद मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित अमिताभ, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, प्राण, रीना राय, शक्ति कपूर, अमजद खान जैसे सितारों से भरी फिल्म नसीब रिलीज हुई। दोस्तों लॉटरी जीतने के बाद मर्डर फिर बदला लेने जैसे कई शानदार मसालों से युक्त ये फिल्म इतनी शानदार थी कि लगभग 10 हफ्तों तक सभी सिनेमा हॉल हाउसफुल रहे थे। और दोस्तों इसने 14.5 करोड़ जो कि 2020 के हिसाब से लगभग 239 करोड़ रुपए होते हैं का कलेक्शन किया था तथा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। दोस्तों फिल्म में अमिताभ की यादगार कॉमेडी, इमोशन, एक्शन सब कुछ था और साथ ही अमिताभ की आवाज में गाया गीत चल चल मेरे भाई जिसमें उनके साथ रफी साहब और ऋषि कपूर की भी आवाज थी ने खूब धमाल मचाया था। दोस्तों सभी कलाकारों का बेहतरीन अभिनय था तथा फिल्म के एक सुपरहिट गाने जॉन जॉनी जनार्दन में कई बड़े बड़े सितारे जिनमें राज कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शशि कपूर भी शामिल है दिखाई दिए थे। दोस्तों कभी ना भूलने वाली एक जबरदस्त मनोरंजक फिल्म है नसीब। दोस्तों इसके बाद अमिताभ बच्चन की एक और जबरदस्त फिल्म लावारिस रिलीज हुई जिसमें एक अवैध अनाथ बच्चे की कहानी है जो अपनी पहचान पाना चाहता है और अपने पिता को खोजना चाहता है और अपने सारे सवालों के जवाब उनसे जानना चाहता है। दोस्तों अमिताभ बच्चन का अभिनय इसमें इतना यादगार हुआ पावरफुल है कि आप कभी नहीं भूल सकते। चाहे वो कॉमेडी सीन हो या इमोशनल सीन हो या एक्शन, सभी में अमिताभ बहुत परफेक्ट दिखाई दिए थे। दोस्तों डायलॉग्स फिल्म की जान थे। आपका क्या होगा जनाबे अली, वो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मैं अमिताभ का डांस व एक्सप्रेशन ऑल टाइम हिट है। दोस्तों ये फिल्म 9 करोड़ का बिजनेस करके ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों अमजद खान, राखी, जिनेत अमान, रंजीत, सुरेश ओबेराय इसके अन्य प्रमुख कलाकार थे। दोस्तों इसके बाद रिलीज ये चोपड़ा की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा सिलसिला जिसमें अमिताभ के साथ रेखा, जया बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फैल रही क्योंकि भारतीय जनमानस ने इसकी कहानी को भारतीय संस्कृति व परंपराओं के अनुरूप नहीं माना। वैसे बाद के वर्षों में उसे कल्ट क्लासिकल फिल्म का दर्जा मिला तथा अपनी बेहतरीन संवान, मधुर संगीत तथा सभी कलाकारों के यादगार अभिनय के लिए आज भी इस फिल्म को एक बेहतरीन फिल्म माना जा सकता है तथा फिल्म के सभी गाने बहुत शायराना अंदाज के थे परंतु अमिताभ का गाया रंग बरसे तो आज भी उतना हिट है जितना फिल्म रिलीज के समय था। दोस्तों रेखा अमिताभ इस फिल्म के बाद कभी एक साथ नजर नहीं आए। दोस्तों इसके बाद 1981 में रिलीज अमिताभ की एक और फिल्म कालिया जिसे टीनू आनंद ने निर्देशित किया था। ये भोले भाले कल्लू से शातिर कालिया बनने की कहानी है जिसमें अपने भाई के एक्सीडेंट में घायल हो जाने पर अमिताभ उसके इलाज के लिए पैसे मांगने उसके एम्प्लॉयर के पास जाते हैं परंतु पैसे देने के बजाय उसे झूठे आरोप में जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों फिल्म में प्राण जेलर के रोल में बहुत प्रभावशाली रहे थे तथा इनके अलावा अमजद खान, प्रवीण बॉबी, आशा पारीक व कादर खान भी जबरदस्त अभिनय करते दिखाई दिए। दोस्तों इस फिल्म के डायलॉग्स विशेषकर जब जब अमिताभ व प्राण आमने सामने होते हैं बहुत लाजवाब थे। दोस्तों फिल्म दर्शकों को पसंद आई तथा हिट साबित हुई। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे अमिताभ बच्चन की 1982 में रिलीज फिल्मों के बारे में। अतः दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा तथा इनमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। धन्यवाद।